अबे क्या हो रहा है सब, आया समझ में तुम्हें? इसका मतलब पता है क्या है? लाइटिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो थंबनेल देखकर तुम्हें समझ में आ ही गया होगा आज क्या बात करेंगे। आज लाइटिंग के बारे में बात करेंगे, और अभी तुमने जो ट्रांजिशन देखे उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जो लाइटिंग में अभी यूज़ करने वाला है वो बहुत ही सस्ती होने वाली है, मतलब इतनी ज़्यादा सस्ती। जो तुम अभी घूम कर आ गए हो ना, मनाली, शिमला, उत्तराखंड, जो कोविड में घूम कर आ गए, जितना तुम्हारा खर्चा हुआ है ना, उसका आधा का भी आधा का भी आधा उतनी सस्ती लाइटिंग होने वाली है। जो अभी मैं लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ वो बस एक पीछे से ट्यूबलाइट जल रही है एंड एक सामने से ट्यूबलाइट जल रही है, तो तुम्हें दिख रहा है बहुत ही फ्लैट इमेज आ रही है। एंड अभी इसका डिफरेंस मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ऐसा आ जाता है इसका डिफरेंस, तो बहुत डिफरेंस है इस चीज़ का। एंड ये जो लाइटिंग मैंने यूज़ करी है तुम्हें मैंने बताया बहुत ही सस्ती है। इसका टोटल प्राइस, ये तीनों जो भी लाइट, तीन लाइट यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं, एंड तीनों लाइट ये 8GB लाइट है। एक यहाँ रखी है, एक ये पीछे, एंड ये एक बैकग्राउंड। ये हो गई की लाइट मेरी, ये हो गई एज लाइट या फिल लाइट, जो भी तुम बोल लो इसको, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते। एंड ये हो गई मेरी बैकग्राउंड लाइट। तो अभी मैं तुम्हें एक एक करके दिखाता हूँ, सारी लाइट पहले मैं बंद करूँगा फिर एक एक करके लाइट खोलूँगा, तो मैं डिफरेंस दिखाऊँगा। मतलब तुम डिफरेंस से पहले देख चुके हो, तो मैं दिखाऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या रखना होता है। अभी आई नो तुम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, तो अभी मैं अपनी पहली लाइट ऑन करने वाला हूँ, एंड वो है मेरी की लाइट। तो की लाइट मेरी ऑन हो गई है। इसके आगे मैंने एक डिफ्यूज़र लगा दिया है, जो 5-in-1 रिफ्लेक्टर आते हैं उसका जो डिफ्यूज़र वाला मटेरियल है वो मैंने यूज़ कर रखा है। अभी तुम भी यूज़ कर सकते हो, तुम एक पेपर भी लगा सकते हो, पेपर से लाइट डिफ्यूज़ हो जाती है। अभी मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूँ बिना रिफ्लेक्टर के और रिफ्लेक्टर के साथ। तो अभी तुमने डिफरेंस देख लिया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था उसमें, बहुत ज़्यादा हार्श लाइट आ रही थी, बिकॉज RGB लाइट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्चुअली RGB लाइट में जो बस रेड, ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट कलर्स है, बस तुम्हें इन चार कलर्स की तुम इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हो। स्ट्रेंथ नहीं, इसकी क्या बोलते हैं, तुम भी बोलते हैं यार, हाँ, तुम इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अब याद आ गया मुझे, तो ये मैंने प्लेस करी है 45 डिग्री के एंगल पे, फोकस हिल गया यार। एंड इसके सामने मैंने डिफ्यूज़र लगा दिया है। तो अब बात करते हैं इसकी, तो ये सेकंड लाइट है मेरी, ये है रिम लाइट या एज लाइट या हेयर लाइट, जो भी तुम बोल सकते हो। इसको एक्चुअली यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से सेपरेट हो पाए। तो इसको तुम्हें पीछे से लाइट करना है ताकि तुम्हारा एज में तुम्हारी लाइटिंग आए, मतलब पूरी सामने से लाइटिंग ना आ जाए। एंड कभी भी लाइटिंग बिल्कुल मैं सामने से मत प्लेस करना, बिकॉज तब बिल्कुल ही फ्लैट में जाएगी, अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया था। एंड जो एज लाइट है वो थोड़ी तुम ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस तेज करना, बिकॉज ये तुमने डिफ्यूज़ करा है, तो ये जो रिम लाइट है वो थोड़ी हार्श लाइट आएगी, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा तुम्हारा। तो अब मैं ऑन करूँगा अपनी बैकग्राउंड लाइट। सेटअप कंप्लीट। तो ये थी मेरी बैकग्राउंड लाइट, इसको मतलब ये RGB लाइट है, तो इसमें 21 कलर्स है। मेरे पास अभी तक 4 RGB लाइट है, अभी मैं इस सेटअप में 3 यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही सस्ती सी आती है, 150-200 की मिल जाएगी। मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम जाके देख लेना, फ्लिपकार्ट का भी, अमेज़ॉन का भी, और मैं साइट को यूज़ करता नहीं हूँ, तो तुम अपना देख लेना। इस बैकग्राउंड के कलर मैंने काफ़ी चेंज करके देखे थे, एंड सबसे बेस्ट मुझे यही लगा था। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने सारे कलर्स हैं इसमें। तो इतने सारे इसके कलर्स हैं, इसमें इफ़ेक्ट्स भी है, ये फ्लैश हो गया, स्ट्रोब हो गया, फेड हो गया, स्मूथ हो गया, बट मेरे में से बस दो ही चलते हैं, स्ट्रोब और फेड आई गेस। लाइट स्मूथली चेंज होती है एंड काफ़ी हार्शली चेंज होती है। बैकग्राउंड लाइट में तुम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकल लाइट्स भी आती है, प्रैक्टिकल लाइट्स वो होती है जो तुम्हारे सेट में दिख रही होती है, मतलब तुम्हारी विंटेज बल्ब हो गई, फेरी लाइट हो गई, जो तुम दिवाली पे यूज़ करते हो वो भी तुम लगा सकते हो, वो तुम फ्रेम में दिखा भी सकते हो। तुमने कहीं प्लांट पे किसी को लगा दी, या फिर पीछे कोई डिज़ाइन से तुमने लगा दी, वो भी कर सकते हो। एंड स्ट्रिप लाइट्स भी आती है, स्ट्रिप लाइट एक्चुअली गेमर्स यूज़ करते हैं जनरली, जो तुम PC के पीछे जो लाइट आती है वो स्ट्रिप लाइट यूज़ करते हैं। वो लाइट तुम TV के पीछे भी ला सकते हो, तुम्हारे TV के शेप के अकॉर्डिंगली, एंड उससे तुम काफ़ी रोमांटिक सा माहौल भी बना सकते हो। बट तुम्हें क्या है, तुम तो सिंगल हो ना। तुम बैकग्राउंड लाइट में तुम विंटेज बल्ब भी ला सकते हो। एक्चुअली विंटेज बल्ब का डाउनफॉल यही है कि तुम उसकी ब्राइटनेस है उसको तुम एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट काफ़ी सारी आजकल लाइट फैन लग गई है, इसको तुम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन के ऐप से। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके तुम देख लेना। अगर महंगी लगे तो मत खरीदना, ऐसे सेटअप में वीडियो बना लो, तब भी काम हो जाएगा यार तुम्हारा। ये जो मैंने शुरुआत में बोला था कि जो
लाइटिंग का जो बजट है तुम्हारी, जो ट्रिप लगा के आए तुम मनाली में, उसकी आधी की भी आधी है, मतलब समझ गए, तो 750 की लाइटिंग है, तीनों 250-250 की तीन, मतलब एक एक समझ लो 750 की तीन लाइट, मतलब भाई एक महीना अगर तुम नहीं पियोगे तो पैसे बच जाएंगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज मैंने तुम्हारे बहुत पैसे बचाए भाई, बहुत ज़्यादा पैसे, तो इतने पैसे बचाए, इसके लिए एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कर दो यार, तुम तो कर सकते हो, कर दो यार।